यूग्रो का ग्रो एक्स ऐप यानी बिजनेस को नॉनस्टॉप ग्रो करने की आजादी। ग्रो एक्स ऐप ओपन करने पर आएगी दो ओपनिंग स्क्रीन्स। कृपया नेक्स्ट दबाएं और आगे बढ़ें। तीसरी स्क्रीन पर गेटिंग स्टार्टेड बटन दबाएं। इसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्रिएट अकाउंट बटन दबाएं और अपनी डिटेल्स भरना शुरू करें। अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर टाइप करिए और सबमिट बटन दबाएं। अब आपके मोबाइल पर 4 अंकों का ओटीपी कोड आएगा, जो आपको यहां भर के सबमिट करना है। अगर आपको ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप रीसेंड ओटीपी पर क्लिक कर सकते हैं। सबमिट बटन के नीचे चेंज योर मोबाइल नंबर पे क्लिक करके मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको 4 अंकों का एम पिन नंबर डालना है। ये आपके पासवर्ड के जैसे काम करेगा। याद रहे, ये नंबर आप किसी से शेयर ना करें। सेम नंबर दूसरी बार भरकर वेरीफाई कर लें। इसके बाद क्रिएट बटन दबाएं। बधाई हो, आपके रजिस्ट्रेशन का पहला कदम हो गया। अब आपको ये जर्नी पूरी करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। कृपया करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखें। यहाँ आपको ग्रो एक्स ऐप को कुछ जरूरी परमिशंस देने होंगे। लोकेशन, कैमरा और नोटिफिकेशन स्लाइडर ऑन करना जरूरी है। अब सबमिट प्रेस करें। अगर आपको किसी भी तरह की सहायता की जरूरत हो तो स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर आपको हेल्प मी हर स्क्रीन पर दिखेगी। आप इस पर क्लिक करें और अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करने की अनुमति दें। हमारे कस्टमर सर्विस एजेंट आपको कॉल पर मदद करेंगे। इसके बाद आपको हमारे बीच की टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी दिखाई देगी। आप स्क्रॉल डाउन करके अग्रीमेंट और प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें। पढ़ने के बाद नीचे तक स्क्रॉल करके प्रोसीड पर क्लिक करें। अब आप अपना पैन कार्ड का इमेज अपलोड कर पाएंगे एकदम आसानी से। पहले आप कैमरा के आइकॉन पर क्लिक करें। अब आप अपना पैन कार्ड का इमेज फोटो गैलरी से अपलोड कर सकते हैं या फिर कैमरा से ही सीधे खींच सकते हैं। ध्यान रखें कि पीडीएफ फाइल आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। अगर इमेज साफ नहीं दिख रही है तो वापस रीटेक करें, और अगर आपका पैन कार्ड बराबर दिख रहा है तो अपलोड बटन दबाएं। अगली स्क्रीन पर अपना टाइटल चुनिए, फिर आप अपना नाम, पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ चेक करें। इसके बाद आप अपने घर के लोकेशन का पिन कोड नंबर टाइप करें। इसके बाद आप आपके डिटेल्स कंफर्म करने के लिए बॉक्स टिक करें और उसके बाद कंफर्म बटन दबाएं। अब इस स्क्रीन पर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भरें, और अगर आपके पास उद्यम नंबर नहीं है तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करके एप्लीकेशन भरें। उद्यम नंबर भरने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। बधाई हो, अब आपको नीचे दी गई अमाउंट का सैद्धांतिक रूप से लोन अप्रूवल मिल गया है। अब हम आपकी केवाईसी वेरिफिकेशन की सरल प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड के आगे और पीछे के इमेजेस अपलोड करने हैं। इसके लिए कैमरा के आइकॉन पर क्लिक करें, फिर गैलरी या कैमरा के जरिए अपने आधार कार्ड की फ्रंट साइड अपलोड करें। फाइल्स के आइकॉन पे क्लिक ना करें। अब नीचे वाले कैमरा आइकॉन पर क्लिक करके आधार के पीछे वाली साइड भी अपलोड करें और कंटिन्यू बटन प्रेस करें। अब स्क्रीन पर आए आधार नंबर को चेक करें। अगर वो सही है तो नीचे के 4 बॉक्सेस में कोई भी 4 नंबर टाइप करें, ताकि हम आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों वाला ओटीपी भेज सकें। अब सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। मोबाइल पर आए 6 अंकों वाला ओटीपी नंबर यहां भरिए। ओटीपी ना आया हो तो रीसेंड दबाएं। ओटीपी नंबर को भरें और सबमिट पे क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर आपके द्वारा भरे हुए आधार कार्ड नंबर, आपका नाम, जन्म तारीख और एड्रेस
चेक करें। इन डिटेल्स की पुष्टि करने के बाद ये बॉक्स क्लिक करें, फिर कंफर्म बटन प्रेस करें। अब कृपया करके इस स्क्रीन पे पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर भर दें। आप आपके मौजूदा घर के पते पर कितने महीनों से रह रहे हैं? आपके मौजूदा पते का स्टेटस इन विकल्पों में से चुनिए। क्या ये घर आपका है? क्या आप यहाँ किराए पर रहते हैं? क्या ये सरकार के दिए हुए क्वार्टर्स हैं? क्या ये आपके कंपनी के द्वारा दिया हुआ घर है? क्या ये पता आपके माता पिता का है? क्या ये आपका ससुराल है या अन्य घर है? आपकी माताजी का विवाह पूर्व नाम यानी शादी से पहले का नाम और उपनाम, आपका मैरिटल स्टेटस चुनें यानी वैवाहिक स्थिति। क्या आप शादीशुदा हैं, कुमारे हैं, तलाकशुदा हैं, विधवा या विदुर हैं? क्या आप अलग रहते हैं या अन्य स्थिति चुनें। आपका जेंडर यानी लिंग चुनें। अगर एक और फोन नंबर है तो वो भरें। अब आप अपनी शैक्षिक यानी पढ़ाई की योग्यता चुनें, जैसे कि आप डॉक्टर हैं या वकील हैं, क्या आपने MBA किया है, क्या आपने ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, मेडिकल की कौन सी ब्रांच से हैं। इसके बाद आप अपनी बिजनेस का टाइप सिलेक्ट करें। क्या आप मैन्युफैक्चरर हैं? क्या आप सर्विस प्रोवाइडर हैं? क्या आप व्यापारी हैं? ग्रेट, आपके आधार कार्ड के डिटेल्स की पुष्टि हो गई है। अब बचे हुए थोड़े से कदमों की पूर्ति के लिए लेट्स गो पर क्लिक करें। अब आपको खुद की सेल्फी लेनी है। ध्यान रहे कि आपका चेहरा साफ दिखना चाहिए, धुंधला या दानेदार नहीं होना चाहिए। जब आप सेल्फी लें तो आपके पीछे का बैकग्राउंड प्लेन होगा तो अच्छा है। जब सब सही है तो कैप्चर बटन पर क्लिक करें। अगर सेल्फी सही दिखे तो लुक्स गुड पर क्लिक करें। अब आपकी व्यक्तिगत KYC पूरी हो गई है। अब हम आपकी बिजनेस की KYC की प्रक्रिया शुरू करते हैं। लेट्स गो दबाएं। पहले आप अपने व्यापार का प्रकार दिए हुए लिस्ट में से चुनें। क्या आप फार्मेसी चलाते हैं? क्या आप ड्रग स्टोर चलाते हैं? क्या आपकी किराने की दुकान है? इत्यादि। व्यापार का प्रकार चुनने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपको अपने पैन कार्ड से जुड़े हुए एक या अनेक GST के नंबर दिखेंगे। उनमें से जो एक्टिव GST नंबर है उसे सिलेक्ट करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपको आपके व्यापार के डिटेल्स दिख जाएंगे। सारे डिटेल्स को एक बार फिर चेक करें। अब आपको अपना बिजनेस प्रूफ नंबर भरना है, यानी आप यहाँ व्यवसाय प्रमाण के रूप में जो भी दस्तावेज अपलोड करेंगे उस प्रमाण का नंबर दर्ज करें। अब आप बिजनेस डॉक्यूमेंट या व्यवसाय प्रमाण अपलोड करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अगले स्क्रीन पर अपने बिजनेस की KYC के लिए कुछ और डिटेल शेयर करें। क्या ये बिजनेस की जगह आपकी खुद की है? क्या ये भाड़े पर है? क्या ये किसी कंपनी की है? क्या ये बिजनेस की जगह आपके माता पिता की है? क्या ये आपके ससुराल की है या कोई अन्य जगह है? आप ये बिजनेस कितने सालों से चला रहे हैं? आप अपना व्यापार इसी स्थान से कितने सालों से चला रहे हैं? अब आपको अपनी दुकान या स्थापना की फोटो खींचनी है। ये फोटो लाइव होनी चाहिए और इसमें दुकान या स्थापना का नाम और जगह अच्छे से दिखने चाहिए। फोटो अपलोड करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपकी लोन की अगली प्रक्रिया में अपने बैंक डिटेल्स शेयर करें। बैंक का नाम चुनें। अब बैंक अकाउंट के अनुसार अपना पूरा नाम दर्ज करें। बैंक शाखा का पता दर्ज करें। बैंक अकाउंट का नंबर दर्ज करें। बैंक नंबर फिर से दर्ज करें। IFSC कोड दर्ज करें। खाते का प्रकार सेविंग्स या करंट अकाउंट चुनें। अब एक बार सारी डिटेल्स ठीक से जांच लें और लेट्स गो पर क्लिक करें।
स्क्रीन पर आपके द्वारा दी गई जानकारियों की समरी चेक करें, जैसे कि आपका व्यापार का पैन कार्ड नंबर, उद्यम का नंबर, आधार कार्ड की जानकारी, खुद की सेल्फी, जीएसटी का नंबर, आपके व्यापार की डिटेल्स, व्यापार या स्थापना की फोटो और आपके बैंक की जानकारी। यदि सारी जानकारियां सही हैं, तो प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। बधाई हो, आपकी लोन की लिमिट अप्रूव हो गई। यहां आपको लोन सैंक्शन की जानकारी दिखेगी, आपका क्रेडिट लाइन यानी लोन क्रेडिट लिमिट, लोन की अवधि, ब्याज का दर। आगे बढ़ने के लिए एक्सेप्ट प्रेस करें। अगले स्क्रीन पर आपको अपना सैंक्शन लेटर दिखेगा। इसमें विस्तार से आपकी लोन अमाउंट, लोन की अवधि, ब्याज दर, बैलेंस और हमारे फोन नंबर जैसी जानकारी दी गई है। इस स्क्रीन पर सैंक्शन लेटर की दी गई मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस को नीचे तक स्क्रॉल करके पढ़ें और एक्सेप्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ें। एक्सेप्ट बटन क्लिक करने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 4 अंक का OTP आएगा। उसे OTP के बॉक्स में दर्ज करें। अगर OTP न आया हो तो रीसेंड दबाएं। OTP भरने के बाद सबमिट बटन दबाएं। अगली स्क्रीन पर आपको LAN यानी लोन एप्लीकेशन नंबर और SIN यानी कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिखेंगे। इन्हें भविष्य के संदर्भ में कहीं लिख कर रख दें। अब आप सेव अप्रूव्ड एप्लीकेशन किट के लिंक पर क्लिक करके अपनी लोन लिमिट की डिटेल्स को PDF फाइल के रूप में डाउनलोड करके आपके मोबाइल फोन में सेव कर सकते हैं। अब आप अनलॉक लिमिट पर क्लिक करें। अब आपको भुगतान का अधिदेश यानी पेमेंट मैंडेट के डिटेल्स भरने हैं। यानी जब आप लोन अमाउंट का उपयोग करते हैं तो उस लोन अमाउंट के भुगतान के लिए आपको ग्रो एक्स ऐप को बैंक अकाउंट से उस रकम को डेबिट करने की अनुमति देनी होगी। इस स्क्रीन पर आपको ये जानकारी मिलेगी, लोन की स्टार्ट डेट जो पहले से फिल रहेंगी, लोन की एंड डेट ये भी फिल रहेंगी, यूटिलिटी नंबर ये भी फिल रहेंगी, वेरिफिकेशन का जरिया आप अपने मैंडेट को नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या ई साइन के जरिए रजिस्टर कर सकते हैं। इन सारी जानकारियों को पढ़ें और नीचे बॉक्स पर क्लिक करें और फिर सबमिट बटन दबाएं। आपका मैंडेट इस प्रकार दिखेगा, लोन की अधिकतम राशि, भुगतान की आवृत्ति, उद्देश्य, लोन की आरंभ तिथि, लोन की अंतिम तिथि, लोन यूटिलिटी नंबर। अब आपको 3 विकल्प मिलेंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या आधार ई सिग्नेचर, जिसे आप आपके डिटेल्स को वेरिफाई कर सकते हैं। इसके बाद नीचे दिए चेकबॉक्स पे टिक करें और सबमिट बटन दबाएं। अब आपकी लोन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब आप हमें फीडबैक लिखकर बता सकते हैं कि हम ग्रो एक्स ऐप को और बेहतर कैसे बनाएं। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करें। इसके बाद आपको अपना डैशबोर्ड दिखेगा। इस डैशबोर्ड के जरिए आप अपनी लोन की सभी जानकारियां आसानी से देख सकते हैं। अगर किसी कारण से आपको डैशबोर्ड की जगह ये मैसेज आया तो नो मोर बटन पर क्लिक करके हमसे ऐप ग्राहक सेवा नंबर या ईमेल द्वारा कांटेक्ट करिए। अब आउटवर्ड पेमेंट स्क्रीन्स की जानकारी लेते हैं। जानिए ग्रो एक्स ऐप से आप अपने विक्रेताओं या खरीदारों को पेमेंट कैसे कर सकते हैं। आप डैशबोर्ड से QR कोड, UPI ट्रांसफर और बैंक ट्रांसफर के द्वारा अपने विक्रेताओं को पेमेंट कर सकते हैं। जानिए कैसे। QR कोड से किसी को पेमेंट करनी हो तो डैशबोर्ड पर QR कोड आइकन क्लिक करें, फिर QR कोड स्कैन करें, अपने विक्रेताओं या खरीदारों का नाम चेक करें, भुगतान की संख्या टाइप करें। इसके बाद नीचे दिए गए चेक बॉक्स पे टिक करें और पे का बटन दबाएं। इस स्क्रीन पर आपको अपना 4 अंकों का MPIN नंबर भरना है। आपको स्क्रीन पर प्रोसेसिंग पेमेंट दिखेगा। अगर आपका भुगतान सफल हुआ तो आपको
पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीन दिखेगा। इसके बाद आप डन प्रेस करें। भुगतान के सफलता के बाद डैशबोर्ड पर आपकी लिमिट खुद ब खुद अपडेट हो जाएगी। अगर आपको UPI से पेमेंट करनी हो तो डैशबोर्ड पर UPI पेमेंट का आइकॉन क्लिक करें। UPI आईडी में जिस विक्रेता या खरीदार को पेमेंट करनी है उसकी UPI आईडी दर्ज करें और कंटिन्यू पे प्रेस करें। भुगतान की अमाउंट दर्ज करें और नीचे दिए गए चेक बॉक्स पे टिक करें और पे का बटन दबाएं। इस स्क्रीन पर आपको अपना 4 अंकों का MPIN नंबर भरना है। आपको स्क्रीन पर प्रोसेसिंग पेमेंट दिखेगा। अगर आपका भुगतान सफल हुआ तो आपको पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीन दिखेगा। इसके बाद आप डन प्रेस करें। भुगतान के सफलता के बाद डैशबोर्ड पर आपकी लिमिट खुद ब खुद अपडेट हो जाएगी। अगर आपको बैंक ट्रांसफर या नेट बैंकिंग के द्वारा भुगतान करना है तो डैशबोर्ड पर बैंक ट्रांसफर के आइकॉन पर क्लिक करें। जिन विक्रेता या खरीदार को बैंक ट्रांसफर द्वारा भुगतान करना है उसके डिटेल्स भरें। अकाउंट होल्डर का नाम, उनका बैंक अकाउंट नंबर। बैंक अकाउंट नंबर फिर से टाइप करें, IFSC कोड टाइप करें। भुगतान की संख्या भरें। भुगतान का तरीका NEFT, RTGS या IMPS सिलेक्ट करें। कुछ टिप्पणी है तो रिमार्क्स के क्षेत्र में लिखिए। फिर नीचे दिए गए चेक बॉक्स पर टिक करें और पे का बटन दबाएं। इस स्क्रीन पर आपको अपना 4 अंकों का MPIN नंबर भरना है। आपको स्क्रीन पर प्रोसेसिंग पेमेंट दिखेगा। अगर आपका भुगतान सफल हुआ तो आपको पेमेंट सक्सेसफुल की स्क्रीन दिखेगी। इसके बाद आप डन प्रेस करें। भुगतान के सफलता के बाद डैशबोर्ड पर आपकी लिमिट खुद ब खुद अपडेट हो जाएगी। आइए अब जानकारी लेते हैं डैशबोर्ड से ग्रो एक्स को भुगतान करने का तरीका। डैशबोर्ड पर आपको आपका ड्यू पेमेंट दिखेगा। वहाँ पर क्लियर ड्यूज का बटन दबाएं। अब आपको अवेलेबल लिमिट दिखेगी, साथ ही कितना लोन अमाउंट इस्तेमाल हुआ है और कितने की लिमिट है ये जानकारी मिलेगी। अब ड्यू पेमेंट के क्षेत्र में व्यू मोर पे क्लिक करें। अब आपको ब्याज का दर, अदायगी की तारीख, मूल राशि, ब्याज की राशि और लोन की अंतिम तिथि का पता लगेगा। अब पे टू बटन पर क्लिक करें। अब आपको अपने वर्चुअल अकाउंट, QR कोड और UPI के डिटेल्स दिखाई देंगे। आप इसे शेयर करके दूसरों से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं और खुद भी रीपेमेंट कर सकते हैं। अब जानिए आप EMI द्वारा लोन कैसे रीपे कर सकते हैं। आपको ड्यू पेमेंट स्क्रीन पर EMI डिटेल्स दिखाई देगी। EMI डिटेल्स पर क्लिक करने से अधिक जानकारी मिलेगी। EMI डिटेल्स में आप EMI की राशि, भुगतान की राशि और ब्याज की राशि देख पाएंगे। इसके बाद आप पे टू बटन पर क्लिक करें और अपनी EMI का भुगतान करें। अब जानिए किसी ग्राहक से भुगतान प्राप्त कैसे करते हैं। आप वर्चुअल अकाउंट, QR कोड और UPI के जरिए भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं ग्रो एक्स ऐप पर लेन देन का इतिहास कैसे चेक कर सकते हैं। डेबिट बटन पर क्लिक करें और फिर जिस महीने में लेन देन का इतिहास पता लगाना हो उस महीने के प्लस सिंबल पर क्लिक करें। आपको सिलेक्ट किए गए महीने के लेन देन की लिस्ट मिलेगी। किसी भी लेन देन की संख्या की अधिक जानकारी के लिए उस संख्या के दाईं तरफ के प्लस चिन्ह पर क्लिक करें। लेन देन की विवरण ऐसे दिखेगी। यदि आप ये जानकारी किसी के साथ शेयर करना या दिखाना चाहते हैं तो शेयर बटन दबाएं। अब हम सर्विसिंग मेन्यू की जानकारी लेते हैं। लोन के नियम और शर्तों को पढ़ने या समझने के लिए माय प्रोफाइल पर टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्लिक करें। TNC फॉर यू ग्रो पर क्लिक करें। आई अंडरस्टैंड वाली बटन पर क्लिक करें। अगर आपको किसी अन्य जानकारी की आवश्यकता हो तो आप माय प्रोफाइल की स्क्रीन से कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करें और हमसे ऐप के द्वारा, ग्राहक सेवा नंबर द्वारा या ईमेल द्वारा कॉन्टैक्ट करिए। Thank you.